मेरे इस चैनल शेयर नॉलेज पुणे में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। मात्र 89.50 रुपये का यह शेयर है। इस शेयर का 52वीं हाई देखते हैं तो 52वीं हाई 108 रुपये, वहीं 52वीं किलो 38 रुपये के आसपास है। आज के दिन कितनी क्वांटिटी उठाई गई देखते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे 15,173 क्वांटिटी उठाई गई है जो कि 56% के आसपास है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो अब देखेंगे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जहाँ 323 लाख का प्रॉफिट बुक किया था, वहीं इस क्वार्टर में कंपनी ने 361 लाख का प्रॉफिट बुक किया। यानी कंपनी ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 47% के आसपास प्रमोटर का हिस्सा है, वहीं 52% के आसपास पब्लिक का हिस्सा है। ज़्यादातर 50% के ऊपर प्रमोटर हिस्से को हम अच्छा मानते हैं, तो यहाँ पे 47% ही प्रमोटर का हिस्सा है। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखा है कि नहीं देखते हैं। तो अब देखेंगे 0.18% प्रमोटर ने अपने शेयर को प्लेस कर रखा है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। यह इस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखते हैं तो अब देखेंगे 239 करोड़ का शानदार मार्केट कैपिटल है। करंट मार्केट प्राइस 84 रुपीज़ के आसपास है जो कि अभी 89 के आसपास पहुंच चुका है। 52वीं हाई 108 रुपये, वहीं 52वीं लो 32 रुपये के आसपास है। कंपनी के पास 3 करोड़ के आसपास का डेब्ट है। कंपनी 1.65% का डिविडेंड भी पे करती है। एक साल का चार्ट देखिए तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं कंपनी ने अपने शेयर धारकों को इस एक साल के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिस कंपनी का हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,66,00,000 का शानदार प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पिछले क्वार्टर में 3,26,00,000, 3,67,00,000, 1,03,00,000, 3,25,00,000, 2,06,00,000, 1,36,00,000, 3,35,00,000, 2,77,00,000, 3,27,00,000। तो अब देखेंगे इस कंपनी ने हर एक क्वार्टर में काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद इस कंपनी का हम ईयरली प्रॉफिट देख लेते हैं। तो अब देखेंगे इस साल कंपनी ने 10 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पिछले साल 11 करोड़ का बुक किया था। 12 करोड़, 10 करोड़, सॉरी 6 करोड़, 6 करोड़, 6, 5, 2, 1, 1, 3। तो अब देखेंगे इस कंपनी ने हर एक साल में काफ़ी शानदार प्रॉफिट बुक किया और ये अपने प्रॉफिट को इनक्रीज़ करते आ रही है। ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। इसके बाद इस कंपनी का हम रिजर्व देख लेते हैं। तो अब देखेंगे 63 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व है जो कि काफ़ी शानदार है। वहीं बोरोइंग 4 करोड़ के आसपास की बोरोइंग भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख चुके हैं। 47% प्रमोटर का हिस्सा है, वहीं 52% के आसपास पब्लिक का हिस्सा है। जिस कंपनी का वन डे का चार्ट देखिए, 5 डेज का चार्ट देखिए, 1 मंथ का चार्ट देखिए, 6 मंथ का चार्ट देखिए, YTD का चार्ट देखिए और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। जी हाँ, शेयर में ग्रोथ है। इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। जी, इस कंपनी का नाम है मोल्ड टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जी, मात्र 89.25 रुपये का यह शेयर है। इसका हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे जितनी भी डिटेल दी गई हैं, अगर ये सारी डिटेल ग्रीन में दी गई होती है तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर डिटेल जो दी गई हैं वो ग्रीन में दी गई है। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी उस कंपनी का फाइनेंशियल जरूर देख लें, जिससे कि आपको भी एक आइडिया मिल जाए। जितनी भी डिटेल दी गई हैं, ये सारी डिटेल अगर ग्रीन में होती है तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। आपको मोल्टेक टेक्नोलॉजी की कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ और मैंने यहाँ पे देखिए वन डे का एक टाइम फ्रेम लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस वन डे के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पे 1 वीक का एक टाइम फ्रेम लगाऊंगा। तो अब देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पे 1 मंथ का एक टाइम फ्रेम लगाऊंगा और आप देखेंगे इस 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है और शेयर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है।
गाइस जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, तो आपको ये तीनों टाइम फ्रेम अप्लाई करने होते हैं अपने कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर। उसमें आपको देखना होता है कि सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हुआ है या नहीं। सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड एक बाइंग इंडिकेटर होता है। जब भी आप शेयर को बाय करते हैं तो ये आपको शेयर को बाय करने के सिग्नल देता है। ये सेटिंग किस तरह से अपने कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर आप कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, स्टडी के ऊपर। देन इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर लगा के रखे हैं, RSI एंड सुपर ट्रेंड। तो पहले मैं आपको RSI की सेटिंग बता देता हूँ। तो RSI पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए सेटिंग इस तरह से आपको करनी होगी। पीरियड में आपको 14 रखना है। RSI का कलर मैंने ब्लैक कर रखा है, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ओवरबॉट को मैंने 60 ग्रीन कर रखा है, ओवरसोल्ड को मैंने 40 रेड कर रखा है। देन डन कर दिया मैंने। उसके बाद सुपर ट्रेंड, तो देखिए सुपर ट्रेंड की सेटिंग इस तरह से करनी है। पीरियड में आपको 10 रखना है, मल्टीप्लायर में आपको 1.5 रखना है, अप ट्रेंड को आपको ग्रीन और डाउन ट्रेंड को आपको रेड रखना है। ठीक है, इस तरह से आप सेटिंग अपने कैंडल चार्ट पैटर्न के ऊपर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये तीनों टाइम फ्रेम देखने होंगे। आपको देखना होता है कि सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हुआ है या नहीं। अगर सुपर ट्रेंड एक्टिवेट हुआ है इन तीनों टाइम फ्रेम में, तब भी आप उस शेयर में एंट्री लीजिएगा, जिससे कि वो शेयर आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकें। अभी मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर इसलिए लेके आता हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट मिल जाते हैं, यानी लोगों का एक ओपिनियन जान लेते हैं शेयर के बारे में। जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, आपको कम्युनिटी सेंटिमेंट जरूर देखना है, जिससे कि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि जिस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस शेयर के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, या कितने परसेंट उस लोग उस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। तो अब देखेंगे मोल टेक टेक्नोलॉजी, 89 रुपये 25 पैसे का ये शेयर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपनी राय दे रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि ये शेयर आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। ये भी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है मोल टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, जो कि मात्र 89 रुपये 45 पैसे का है, तो आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो में लेके रखिएगा। गाइस मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो कम कम क्वांटिटी में ही शेयर को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, बल्क में क्वांटिटी बाय मत कीजिएगा। गाइस जब भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी उस कंपनी का फंडामेंटल जरूर देखें। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो वो कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। ऐसे ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचें जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा ना हो। गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएं, क्योंकि मेरे इस चैनल पे हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही सजेस्ट किए जाते हैं। और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएं। थैंक यू गाइस।